हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिशा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी और किसी न किसी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने में या आपके बिजनेस को ग्रो करने में ज़रूर हेल्पफुल होंगी। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 18 पार्ट 22। चैप्टर 18 हमारा है मैनेजिंग मास कम्युनिकेशंस। अगर हम मास कम्युनिकेशन के टूल्स की बात करें या मेथड्स की बात करें तो टोटल फिलिप कोटलर की बुक में 4 ऐसे मेथड्स हैं कम्युनिकेशन के जो हमारी कम्युनिकेशन को मास लेवल के ऑडियंस तक एक ही टाइम पर पहुंचा देता है। उन 4 टूल्स को इस चैप्टर में हम डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं। पहला है एडवर्टाइजिंग, सेकंड है सेल्स प्रमोशन, थर्ड है इवेंट्स एंड एक्सपीरियंसेस और फोर्थ हमारा है पब्लिक रिलेशंस। तो फिलिप कोटलर की बुक में जो हमारे पास टोटल 8 मेथड्स हैं उनमें से 4 मेथड्स कैसे हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को मास लेवल तक पहुंचाते हैं, या हम कह सकते हैं ये 4 मेथड्स मास कम्युनिकेशन के मेथड्स हैं। तो इनमें से जो हमारा पहला मेथड है एडवर्टाइजिंग, उसको हमने टोटल 21 वीडियोस में कवर किया है। लास्ट जो हमने 21 पार्ट्स कंप्लीट किए हैं इस चैप्टर के, उसमें हमने जो पहला हमारा मेथड है एडवर्टाइजिंग उसको डिटेल में डिस्कस किया है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल्स प्रमोशन। अगर अभी तक आपने एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड हमारी वीडियोस नहीं देखी तो इसी चैप्टर के 21 पार्ट्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं दिशा क्लासेस पर, वहां से आप उनको देख सकते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे सेल्स प्रमोशन, जो हमारा सेकंड मेथड है मास कम्युनिकेशन का। सेल्स प्रमोशन क्या होता है? सेल्स प्रमोशन अ की इंग्रेडिएंट इन मार्केटिंग कैंपेन्स। ये कह रहा है जितने भी हमारे मार्केटिंग के कैंपेन हम स्टार्ट करते हैं उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है हमारा सेल्स प्रमोशन। सेल्स प्रमोशन कंसिस्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ इंसेंटिव टूल्स। ये कह रहा है सेल्स प्रमोशन होता क्या है, ये क्या है, कलेक्शन है इंसेंटिव टूल्स का। इंसेंटिव मतलब जब आप किसी को कुछ एक्स्ट्रा या ऐसा कुछ प्रोवाइड करवाते हो, इंसेंटिव देते हो जिसकी वजह से वो आपके प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट हो, उसको परचेज करे। तो हम बात कर रहे हैं सेल्स प्रमोशन की। सेल्स प्रमोशन सिंपली क्या है, कलेक्शन ऑफ इंसेंटिव टूल्स। बहुत सारे इंसेंटिव टूल्स जो आपकी सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करती है उनका क्या है, एक कलेक्शन, मोस्टली शॉर्ट टर्म। और ये जो टूल्स हैं आपके इंसेंटिव जो आप प्रोवाइड करवा रहे हो कंज्यूमर को, वो कैसे होते हैं, शॉर्ट टर्म। डिजाइंड क्यों डिजाइन किए जाते हैं, टू स्टिमुलेट द क्विकर और ग्रेट परचेज ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस बाय द कंज्यूमर और द ट्रेड। ये इसीलिए डिजाइन किए जाते हैं ताकि आप अपने प्रोडक्ट की या सर्विसेज की जो परचेज है उसको इंक्रीज कर सकें या उसको जल्दी से जल्दी परचेज करवाने के लिए स्टिमुलेट कर सकें। मतलब जब आप चाहते हैं कि जल्दी जल्दी सेल्स हों, क्विकर सेल्स आप चाहते हैं या इंक्रीज करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट की परचेजेस को, तब आप इन टूल्स का यूज़ करते हैं जो मोस्टली क्या होते हैं, हमारे इंसेंटिव्स। इंसेंटिव के फॉर्म में एक्स्ट्रा कुछ आप प्रोवाइड करवाते हैं। वेयर एज एडवर्टाइजिंग ऑफर्स अ रीज़न टू बाय। जब एडवर्टाइजिंग हम करते हैं तो उसमें हम कंज्यूमर को एक रीज़न देते हैं कि क्यों उसको हमारे प्रोडक्ट या सर्विसेज को बाय करना चाहिए। वहां हम एक रीजन देते हैं बाय करने के लिए। लेकिन सेल्स प्रमोशन ऑफर्स एन इंसेंटिव, लेकिन सेल्स प्रमोशन कंज्यूमर्स को एक इंसेंटिव कुछ प्रोवाइड करवाता है, कुछ बेनिफिट देता है या हम कह सकते हैं कुछ फैसिलिटी देता है जिसकी वजह से हम उसको स्टिमुलेट करते हैं, मोटिवेट करते हैं, पर्सुएड करते हैं हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। और हमारे प्रोडक्ट को परचेज भी कैसे, या तो ग्रेटर क्वांटिटी में या बार बार या क्विकर परचेजेस के लिए हम उसे मोटिवेट करते हैं। क्लियर? तो आप ये देखें एक पैराग्राफ की इन लाइन्स में आपको सेल्स प्रमोशन की क्वालिटीज या फीचर्स या करेक्टरिस्टिक्स पता चल गई होंगी कि क्या है सेल्स प्रमोशन, कलेक्शन ऑफ इंसेंटिव टूल्स जो किसके लिए होती है, शॉर्ट टर्म के लिए, और क्यों डिजाइन की जाती है, रीजन भी आपको पता चल गया, ताकि आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की सेल्स को इंक्रीज कर सकें और क्विकर कर सकें। जहां हमारी एडवर्टाइजिंग एक रीजन देती है कंज्यूमर को बाय करने के लिए कि क्यों उसको हमारा प्रोडक्ट बाय करना चाहिए, वहीं सेल्स प्रमोशन उसको कुछ इंसेंटिव देती है बार बार परचेज करने के लिए या क्विकली परचेज करने के लिए। क्लियर? ये था हमारा सेल्स प्रमोशन। उसके बाद अगर हम बात करें एडवर्टाइजिंग वर्सेस सेल्स प्रमोशन,
एडवर्टाइजिंग और सेल्स प्रमोशन आपको पता ही चल गया होगा कि इसमें हम एक रीज़न देते हैं, उसमें हम कुछ इंसेंटिव, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट देते हैं ताकि हमारी जो प्रोडक्ट की परचेज है वो इंक्रीज हो या क्विकर हो। तो अब इसको डिस्कस कर लेते हैं। ऑल्दो सेल्स प्रमोशन एक्सपेंडिचर्स इंक्रीज्ड एज अ परसेंटेज ऑफ बजट एक्सपेंडिचर फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स, देयर ग्रोथ एज रिसेंटली स्लोड। ये कह रहा है अगर हम परसेंटेज निकालें कि भी टोटल जो बजट एक्सपेंडिचर होता है उसमें से एज अ परसेंटेज जो ज़्यादा एलोकेट किया जाता है एक्सपेंडिचर, वो किसको दिया जाता है? सेल्स प्रमोशन को। लेकिन सेल्स प्रमोशन की जो ग्रोथ है वो कुछ सालों से रिसेंटली कम हो गई है, क्योंकि जब आपने देखा होगा, क्योंकि अब हमें क्या है, हर एक ब्रांड पे, हर एक प्रोडक्ट पे जो ये सेल्स प्रमोशन के टूल्स हैं, ऑफ मिल जाएगा आपको, डिस्काउंट मिल जाएगा, एक के साथ कुछ फ्री मिल जाएगा, कूपन्स मिल जाएंगे, फ्री सैंपल्स मिल जाएंगे, तो आज के टाइम पे हमारी जनरेशन के लिए बहुत कॉमन हो चुके हैं। तो इसलिए सेल्स प्रमोशन के जो टूल्स हैं उनकी जो ग्रोथ है रिसेंटली वो कम हो गई है, लेकिन इन पे जो बजट का एक्सपेंडिचर है वो आज भी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि कंपनीज अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए सेल्स प्रमोशन का यूज़ कर रही है, क्योंकि मार्केट में इतनी ब्रांड्स हैं, इतने प्रोडक्ट्स हैं, तो हमें जब कंज्यूमर के पास चॉइस है तो वो बेस्ट ही चूज़ करेगा, लेकिन कंपनीज को तो अपनी सेल्स इंक्रीज करनी है, तो उनको इंक्रीज करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बजट का एक्सपेंडिचर किसको एलोकेट कर रही हैं? सेल्स प्रमोशन को, ताकि उनकी सेल्स इंक्रीज हो। लेकिन इनकी ग्रोथ कम हो गई है, क्योंकि अब कंज्यूमर को पता चल चुका है कि सेल्स प्रमोशन के जो टूल्स हैं वो सिर्फ उसको अट्रैक्ट करने के लिए या उससे ज़्यादा से ज़्यादा परचेज करवाने के लिए हैं, और वो आज के कंज्यूमर के लिए क्या हो चुके हैं? कॉमन हो चुके हैं, क्योंकि वो बहुत टाइम से इनको देखता आ रहा है। पहले था स्टार्टिंग में कि कंपनी ने एक के साथ एक फ्री दिया तो हमें बहुत अच्छा लगता था, अच्छा कुछ कंपनी ने एक्स्ट्रा दिया है, या कूपन्स मिलते थे तो हमें अच्छा लगता था, लेकिन आज के टाइम पे हमारी जनरेशन के लिए ये क्या हो गया? बहुत कॉमन हो चुका है, तो इसलिए इनकी ग्रोथ क्या हो गई है? स्लो डाउन हो गई है। लेकिन आज भी कंपनीज इन पे बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करती है अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। कंज्यूमर बिगेन टू ट्यून आउट प्रमोशंस। अब कंज्यूमर्स को पता चल गया है, उन्हें पता है प्रमोशंस का, कि प्रमोशन एक सिर्फ आप कह सकते हैं कि भी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए है, उसमें कंज्यूमर को इतना बेनिफिट नहीं होता जितना कंज्यूमर सोचता है। कूपन रिडम्शन पीक्ड इन 1992 एट 7.9 बिलियन कूपन्स, बट ड्रॉप टू 2.9 बिलियन बाय 2013। तो आप ये देखें, जब स्टार्टिंग में कूपन्स आए थे 1992 में, जब किसी कंपनी ने स्टार्ट किया था, तो इनका जो रिडम्शन था वो कितना था? 7.9 बिलियन। और आज 2013 की अगर हम बात करें तो इनका जो रिडम्शन रेट है वो 2.9 तक आ गया, क्योंकि अब आप देखें, जब स्टार्टिंग में कूपन्स एज अ सेल्स प्रमोशन का टूल आया था तो लोगों को कूपन्स मिलते थे, वो बहुत ज़्यादा खुश होते थे, उनकी रिडम्शन करवाते थे कि अच्छा कूपन मिला एक बार परचेज करने से, दूसरी बार करूँगा तो और कूपन्स मिलेंगे, फिर तीसरी बार मेरे को उन कूपन्स को रिडम करके कोई भी एक आर्टिकल मिल जाएगा। लेकिन आज के टाइम पे जब भी आप किसी भी ब्रांड की कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो आपको 50% ऑफ का कूपन मिलता है, कि भी नेक्स्ट टाइम आप परचेज करेंगे तो 50% ऑफ मिलेगा आपको, ये कूपन है, या जो भी है, मतलब दो बार परचेज करने के बाद थर्ड परचेज भी आपको 20% ऑफ मिलेगा। तो ये कूपन्स 2013 तक आते आते इतने कॉमन हो चुके थे कि इनका जो रिडम्शन रेट था वो 2.9 बिलियन आ गया था। क्योंकि आज के टाइम पे आप खुद ही आइडिया लगा के देखें, हम जब भी किसी भी क्लॉथ की ब्रांड पे जाते हैं तो हमें ये जो कूपन से ये मिलते हैं, इनमें क्या होता है, आपके पास मैसेज आएगा कि इस बार आपने परचेज करा है, नेक्स्ट टाइम आप करेंगे तो 50% ऑफ आएगा, लेकिन हम नेक्स्ट टाइम उसी ब्रांड से परचेज नहीं करते, श्योरिटी नहीं है कि उस कूपन का जो 50% डिस्काउंट है उसको अवेल करने के लिए हम उसी ब्रांड से परचेज करेंगे। तो इनका जो रिडम्शन है वो कम हो गया है, क्योंकि आज की जनरेशन को पता चल चुका है और ये हर एक ब्रांड पे कॉमन है। ये नहीं कि भी एक ही ब्रांड दे रही है तो हम उसी से बार बार परचेज करेंगे कि वही सिर्फ हमको 50% ऑफ का कूपन दे रही है, हर एक ब्रांड आपको कूपन दे रही है, तो इनकी जो पॉपुलैरिटी है वो हम कह सकते हैं कम हो गई है। नेक्स्ट है इंसेंटिव प्राइस रिडक्शंस, कूपन्स, डील्स, प्रीमियम्स कैन ऑल्सो डीवैल्यू द प्रोडक्ट इन बायर्स माइंड। ये कह रहा है जो आप ये टूल्स यूज़ करते हैं, या तो आप प्राइस रिडक्शन करते हैं, या आप कूपन्स देते हैं, या और कोई एक्स्ट्रा डील देते हैं, या प्रीमियम देते हैं, ये सारे आपकी जो प्रोडक्ट को डीवैल्यू भी कर सकती है बायर के माइंड में। बायर ये भी सोच सकता है कि आपका प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का नहीं है, तभी आप उसके साथ कूपन्स दे रहे हैं, या प्रीमियम्स दे रहे हैं, या प्राइस रिडक्शन दे रहे हैं। तो आप जब भी सेल्स प्रमोशन को यूज़ करें तो उसको बहुत केयरफुली आपको यूज़ करना है। Having turned to 0% financing, hefty cash rebates and special release programs during sluggish economic
times, auto manufacturers have found it difficult to wean consumers from discounts ever since. ये कह रहा है, जब हमारी इकोनॉमिक टाइम्स खराब चल रहे थे उस टाइम जो हमारी जितनी भी ऑटो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने क्या किया, 0% फाइनेंसिंग दी. आप जब भी कोई भी ऑटोमोबाइल खरीदने जाते हैं, कार लेने जाते हैं कोई भी, तो आपको 0% फाइनेंसिंग का भी ऑप्शन मिलता है. हेफ्टी कैश रिबेट्स भी मिलती हैं कि भी आप दिसंबर में कोई गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो कैश रिबेट मिल जाएगी आपको, या कोई भी स्पेशल लीज प्रोग्राम्स हैं. जब आप इकोनॉमिक टाइम्स, जो हमारा बुरा इकोनॉमिक टाइम चल रहा है, जब आप देते हैं, तो ऑटो मैन्युफैक्चरर ने ये देखा कि भी कंज्यूमर्स को जो डिस्काउंट है उनसे दूर करना बहुत डिफिकल्ट है. विवन का मतलब होता है किसी को किसी चीज़ से दूर करना, तो वो बहुत डिफिकल्ट है एवर सिंस. क्लियर. सम सेल्स प्रमोशन टूल्स आर कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिल्डिंग. ये कह रहा है कुछ सेल्स प्रमोशन के जो टूल्स हैं वो हमारे कैसे हैं, कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिल्डिंग. दे इम्पार्ट अ सेलिंग मैसेज अलॉन्ग विद द डील सच एज फ्री सैंपल्स. ये कह रहा है कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिल्डिंग का क्या मतलब है कि आप अपने कंज्यूमर को अपना रेगुलर कस्टमर बनाना चाहते हैं, तो जो आपके टूल्स हैं, कुछ टूल्स ऐसे हैं जो सेलिंग मैसेज भी देते हैं डील के साथ. जो आप डील प्रोवाइड करवा रहे हो कंज्यूमर को, उस डील के साथ आप एक सेलिंग मैसेज भी कंज्यूमर तक पहुंचा रहे हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिल्डिंग. जैसे फ्री सैंपल फ्रीक्वेंसी अवार्ड की भी 10 बार लेंगे तो 11th टाइम आपको फ्री एक प्रोडक्ट मिलेगा, या आप कूपन दे रहे हैं विद अ सेलिंग मैसेज कि भी कूपन है कि भी नेक्स्ट टाइम अगर आप से हमारे से ही परचेज करेंगे तो आपको 50% रिडम्पशन मिल जाएगा, ये हम आपको कूपन दे रहे हैं, या प्रीमियम्स रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, या कोई एक्स्ट्रा चीज़ प्रोडक्ट से रिलेटेड आप उनको साथ में ऑफर कर रहे हैं. जैसे वॉशिंग मशीन है तो उसके साथ आप वारंटी दे रहे हैं या इंस्टॉलेशन फ्री दे रहे हैं. तो ऐसी ऐसी चीज़ें प्रोडक्ट से रिलेटेड जब आप देते हैं तो आप क्या क्रिएट कर रहे हैं, कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिल्डिंग. तो ये टूल्स कैसे कहलाते हैं, कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिल्डिंग, जहां आप कंज्यूमर की फ्रेंचाइजी बिल्ड कर रहे हैं. उसके बाद है सेल्स प्रमोशन इन मार्केट्स ऑफ हाई ब्रांड सिमिलैरिटी कैन प्रोड्यूस अ हाई सेल्स रिस्पांस इन द शॉर्ट रन बट लिटिल परमानेंट गेन ओवर द लॉन्गर टर्म. ये कह रहा है अगर आपका प्रोडक्ट ऐसा है जहां हाई ब्रांड सिमिलैरिटी है, हाई ब्रांड सिमिलैरिटी का मतलब है कि भी आपका प्रोडक्ट आपके कॉम्पिटिटर से ज़्यादा डिफरेंट नहीं है, ब्रांड में बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी है, वहाँ अगर आप सेल्स प्रमोशन करते हैं तो वो सेल्स प्रमोशन आपको शॉर्ट रन में तो आपकी सेल्स को इंक्रीज कर देगा लेकिन लॉन्ग रन में परमानेंट आप गेन नहीं कर सकते. अगर आप चाहते हैं, मान लो ये एप्पल है और इसका जो कॉम्पिटिटर है वो सैमसंग है, अगर सैमसंग ने कोई सेल्स प्रमोशन किया वो शॉर्ट टाइम के लिए जब तक वो ऑफर चल रहा है तब तक तो अपनी सेल्स को क्या कर लेगा, इंक्रीज कर लेगा. लेकिन अगर वो सोच रहा है कि लॉन्ग रन में जो एप्पल एक ब्रांड प्रेफरेंस बनी हुई है लोगों की, तो लॉन्ग रन में अगर वो चाह रहा है कि मैं परमानेंट गेन करूंगा एप्पल के ओवर, तो वो पॉसिबल नहीं है. सेल्स प्रमोशन आपको शॉर्ट रन में तो सेल्स को इंक्रीज करने में हेल्प करती है, लेकिन अगर आप लॉन्ग रन में परमानेंट चेंज चाहते हैं या परमानेंट मार्केट शेयर को गेन करना चाहते हैं तो सेल्स प्रमोशन वहां आपको हेल्प नहीं करता. तो ये भी इसका एक डिसएडवांटेज है. एक डिसएडवांटेज हमने यहाँ देख लिया कि भी ये आपके प्रोडक्ट की वैल्यू को कम कर देता है कंज्यूमर के माइंड में. उसके बाद अगर हम बात करें, इन एडिशन टू ब्रांड स्विचिंग कंज्यूमर्स में एंगेज इन स्टॉक पाइलिंग. और दूसरा आप ये भी देखें, कंज्यूमर क्या करते हैं, स्टॉक पाइलिंग कर लेते हैं. स्टॉक पाइलिंग का क्या मतलब है, वो आपके प्रोडक्ट को जब डील चल रही है तो एक्सेस परचेज कर देते हैं, या परचेजिंग अर्लियर देन यूजुअल और बाइंग एक्स्ट्रा क्वांटिटीज, बट सेल्स में देन हिट अ पोस्ट प्रमोशन डिप. क्योंकि जब आपकी डील चल रही थी जब तो उन्होंने आपकी परचेज को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया, क्योंकि डील के टाइम पे उन्होंने क्या कर लिया, स्टॉक पाइलिंग कर लिया. लेकिन जैसे ही आपकी वो डील या प्रमोशन बंद हुआ उसके बाद जो एक्स्ट्रा क्वांटिटीज उन्होंने बाय करी है वो तो अब उन्होंने फ्यूचर के लिए बाय करके रख ली, तो आपको पोस्ट प्रमोशन जो सेल्स में डिप देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रमोशन के बाद आपकी सेल्स इंक्रीज नहीं होगी क्योंकि कंज्यूमर ने क्या कर लिया, डील के टाइम पे एक्स्ट्रा परचेजेस कर ली. तो ये सारे क्या है, एडवर्टाइजिंग वर्सेस सेल्स प्रमोशन चल रहा है अभी हमारा. प्राइस प्रमोशंस ऑल्सो मे नॉट बिल्ड परमानेंट टोटल कैटेगरी वॉल्यूम. और अगर आप प्राइस प्रमोशन देते हैं कोई भी चीज़ 10% ऑफ पे, 20% ऑफ पे, तो वो भी परमानेंट आपको टोटल कैटेगरी वॉल्यूम को इंक्रीज करने में हेल्प नहीं करता. अगर आप सोच रहे हैं कि उसकी वजह से आपकी टोटल कैटेगरी का वॉल्यूम इंक्रीज होगा परमानेंटली,
तो वो नहीं होगा। तो इसमें और कुछ है नहीं, कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिल्डिंग प्रमोशंस कैन ऑफर द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, बिल्डिंग ब्रांड इक्विटी वाइल मूविंग प्रोडक्ट, ये कह रहा है। और जो हमारे ये कंज्यूमर फ्रेंचाइजी बिल्डिंग प्रमोशंस थे जो अभी हमने देखा, वो क्या करते हैं, दो हमारी चीज़ों को फुलफिल करते हैं, एक तो हमारी ब्रांड की इक्विटी को बिल्ड करते हैं, दूसरा हमारे प्रोडक्ट की सेल्स को इंक्रीज करते हैं। क्लियर। उसके बाद है, अगर हम आज के लेटेस्ट देखें, फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया इन सेल्स प्रमोशन इज डिजिटल कूपन्स रिडीम्ड वी अ स्मार्टफोन और डाउनलोडेड टू अ कंज्यूमर प्रिंटर। ये कह रहा है आज के टाइम पे जो मोस्ट कॉमन है हमारा सेल्स प्रमोशन का टूल, वो कौन सा है, डिजिटल कूपन्स। पहले तो आपको क्या होता था, प्रिंटेड कूपन्स मिलते थे कि भी नेक्स्ट टाइम आए तो आप ये कूपन ले आना हमारे पास, हम आपको 50% ऑफ दे देंगे नेक्स्ट परचेज पे। लेकिन आज के टाइम पे जो हमारे पहले वाले कूपन्स थे वो नहीं चलते, आज के टाइम पे हमारे पास है डिजिटल कूपन्स। डिजिटल कूपन्स जो किसके थ्रू आप रिडीम कर सकते हैं, स्मार्टफोन के थ्रू, या आपने प्रिंटर से कंज्यूमर खुद डाउनलोड कर सकते हैं, आपके फ़ोन पे एक मैसेज आ जाएगा। जैसे ही आपने लिवाइस की कोई जीन्स खरीदी तो आपके फ़ोन पे मैसेज आ जाएगा कि भी नेक्स्ट टाइम अगर आप लिवाइस की ब्रांड की कोई भी आर्टिकल लेंगे तो उस पर 50% ऑफ आपको मिलेगा। तो ये जो कूपन है ये आपको डिजिटली मिला है अपने स्मार्टफोन पे, नेक्स्ट टाइम जब आप जाएंगे तो अपना फ़ोन नंबर, वो दोबारा जब आपसे परचेज करेंगे आप तो वो आपके कॉन्टैक्ट डिटेल्स मांगेंगे। जैसे ही आप कॉन्टैक्ट डिटेल्स एंटर करवाएंगे आपका नंबर आ जाएगा, उस पर जो ऑफर या कूपन उन्होंने आपको दिया था वो ऑटोमेटिकली उनके पास उनको दिख जाएगा। वो आपको बोलेंगे सर लास्ट टाइम आपने परचेज किया था और तो कूपन हमने आपको दिया था 50% ऑफ का, तो हम आपका 50% ऑफ कर रहे हैं। तो आज के टाइम पे जो फास्टेस्ट ग्रोइंग एरिया है सेल्स प्रमोशन का वो क्या है, डिजिटल कूपन्स। ये आपको मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा, आप सभी यूज़ करते हैं आज के टाइम पे, ये आपके फ़ोन पे आ जाता है या आपकी मेल आईडी पे आ जाता है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, या नेक्स्ट टाइम जब भी आप जाएंगे जैसे ही आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स उनके कंप्यूटर में ऐड होती है तो साफ साफ पता चल जाता है कि भी आपके परचेज पे क्या क्या ऑफर्स चल रहे हैं, वो खुद ही आपको बता देते हैं। कई बार तो आप जाएंगे क्या पता आप मैसेज पे इतना ध्यान भी ना दें, तो जैसे ही आप दोबारा उसी ब्रांड की कोई भी आर्टिकल लेने जाएंगे तो परचेज करने के बाद जैसे ही आप बिलिंग काउंटर पे जाएंगे तो आपकी जैसे ही वो कंप्यूटर में डिटेल्स डालेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फ़ोन नंबर डालेगा, ईमेल आईडी डालेगा, तो उसके पास सारे आपके जितने भी ऑफर्स आज तक मिले हैं ब्रांड की तरफ से वो सारे ऑफर्स उसकी स्क्रीन पे होंगे। वो आपको बता देगा कि सर लास्ट टाइम आपने ये परचेज किया था तो हमारी कंपनी ने आपको ये ऑफर है, ये तीन ऑफर है या चार ऑफर है, इनमें से आप कौन सा सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा है डिजिटल कूपन्स। तो ये हमने सेल्स प्रमोशन को देख लिया। इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, सेल्स प्रमोशंस को कैसे डिज़ाइन किया जाता है वो हम देखेंगे कि सेल्स प्रमोशन जब आप करते हैं कोई भी टूल को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो क्या उसका प्रोसेस होता है, जैसे हमने एडवर्टाइजिंग में देखा था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस, और मैं आप सभी से बस एक ही रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ वीडियोस को शेयर कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि एक मोटिवेशन मुझे भी मिलती रहे ऐसा ऐसा कंटेंट आपके लिए लाने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिशा क्लासेस।